साइन न्यूज आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय की मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण खत्म करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस याचिका का विरोध किया है। मुख्य न्यायाधीश ने इसी के साथ अश्विनी उपाध्याय से ये भी कहा कि आप ये मांग संसद या सरकार से कर सकते हैं, ना कि कोर्ट से। इस तरह की मांग को अदालत कैसे मंजूरी दे सकती है? आप अपनी याचिका वापस ले। वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण खत्म करने की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। उन्होंने अपनी याचिका में मांग बौद्धों, जैनियों और सिखों को मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों की तरह अपने राज्य में हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करने का समान अधिकार दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ये याचिका सुनवाई के लायक नहीं है। आप इस मामले में PIL कैसे दाखिल कर सकते हैं? तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, क्योंकि याचिका में सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। उसके बाद अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इस मुद्दे को इस प्रकार समझा जा सकता है, कालकाजी मंदिर का नियंत्रण सरकार के पास है लेकिन जामा मस्जिद नहीं, यही मूल मुद्दा है। हालांकि जब मुख्य न्यायाधीश ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया तो अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका वापस ले ली। बता दें कि देश भर में मंदिरों से सरकारी नियंत्रण खत्म करने की मांग हो रही है। पिछले दिनों जयपुर में विवाद पर एक महापंचायत भी आयोजित की गई थी। बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को संविधान की आत्मा के खिलाफ बताया था। वकील अश्विनी उपाध्याय ने पूरे मामले में कहा था कि मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण धार्मिक भावना के साथ और बहुत ज्यादा भेदभाव है। इस पर विचार किया जाना चाहिए और सरकार को मंदिरों से अपना नियंत्रण खत्म कर लेना चाहिए। इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपने रहने के लिए आप देखते रहिए।